मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था किसी भी काम को आप कैसे सक्षम तरीके से कर सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है, दो तरह का एनर्जी है। कोई खिलाड़ी अगर फील्ड में खेल रहा है तो उसको कौन वाला एनर्जी चाहिए, फिजिकल एनर्जी या मेंटल एनर्जी? फिजिकल एनर्जी चाहिए, वो भी एनर्जी, उसके बिना वो नहीं खेल पाएगा, थक जाएगा। इसके लिए वो अपना खान पान ठीक रखता है। कोई पहलवानी के अखाड़ा में या कोई भी प्लेयर है, स्टूडेंट को कौन सा एनर्जी सबसे ज़्यादा जरूरी है? मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा। और मानसिक ऊर्जा कहाँ से मिलेगा आपको? फिजिकल एनर्जी के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भैया ये खाएं, च्यवनप्राश खाएं, बादाम खाएं, अंगूर खाएं, ठीक, चावल खाएं, रोटी खाएं, 5 किलो खाएं, 7 किलो खाएं, जो खाएं। लेकिन मेंटल एनर्जी, और आपके जीवन के सारे विकास उसी पर आधारित, मेंटल एनर्जी। और मानसिक ऊर्जा का विकास कैसे करेंगे? कोई कितना भी समझा दे, पन्ना में लिख देना, कॉपी में लिख लेना, कागज में लिख देना, लिख के टांग लेना, आप टांगते रहोगे। भैया टांगे थे, एक सप्ताह टांगे, कुछ दिन में हो सकता है आप ही टंगा जाओ। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका मेंटल एनर्जी क्या है, जैसे ऑक्सीजन नापने का आ गया ना, छोटा सा इसमें लगा के नाप लेता है कम है कि ज्यादा है। अगर धोखा धोखी भी आपको कम निकल गया तो आपका हदस के मारे और नीचे घट जाएगा, लगता है हो गया। कोई मशीन खराब हो और आप लगाए, कितना रहना चाहिए? 98, और आपका 90 पर चला गया, आपके मन में शंका पैदा हुआ, लगता है भीतर भीतर आ गया है। तो शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए और अपने मन को भी स्वस्थ रखने के लिए किस एनर्जी की आवश्यकता है? है? मेंटल एनर्जी। इसके बिना आपका कल्याण नहीं। अब भाई शारीरिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए तो लोग, हम लोग सब लोग बता देते हैं किसमें विटामिन सी पाया जाता है, नींबू पीजिए, फलाना पीजिए, ये पीजिए, आंवला खाइए, गजरा खाइए, मुरई खाइए, प्याज खाइए, लहसुन खाइए, फलाना खाइए। ये सब किसके लिए, किस एनर्जी के लिए? फिजिकल एनर्जी के लिए। समस्या कहाँ से है आपको, शरीर से कि मन से? मेंटल एनर्जी। और मेंटल एनर्जी को मजबूत रखने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, किस क्या बताते हैं? ध्यान बताते, ध्यान बताते। किसका ध्यान? कोई आपसे पूछे कि सूर्य का ध्यान क्यों करें? आप पढ़े लिखे जींस पहनने वाले लोग हो, कोई आपसे पूछे कि हम सूर्य का क्यों ध्यान करें, राधा जी का ध्यान क्यों नहीं करें, कृष्ण भगवान का ध्यान क्यों नहीं करें, काली माता का ध्यान क्यों नहीं करें, सूर्य का ही ध्यान क्यों करें? सीधे ये कह के तो नहीं कह सकते ना। अब आप समझ लीजिए, सूर्य के ध्यान का, सूर्य क्या चीज से बनाए? सूर्य जो दिख रहा है वो क्या चीज से बनाए? हीलियम और हाइड्रोजन। तो क्या हीलियम और हाइड्रोजन का ध्यान सिखाया जा रहा है? देखिए, आप आज के दुनिया में ये बेवकूफी का काम मत कीजिए। पढ़े लिखे लोग का दुनिया है ना, विज्ञान का युग है। कोई बच्चा भी आपसे कह सकता है, अंकल आप पढ़े लिखे हैं, मैं क्लास 5 में हूं, आप हीलियम हाइड्रोजन नहीं जान रहे हो? चढ़ा दिया इस छटकाई। नहीं साहब, हम हीलियम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे,
आपका बॉडी किस चीज से बना है, किन किन चीजों से जो दिख रहा है? पांच चीज से बना है, लेकिन इसके भीतर क्या है, क्या है जो निकल जाता है? आप उसको एनर्जी कह सकते हो, प्राण कह सकते हो, बहुत लोग आत्मा कहते हैं अपने अपने मन, लेकिन एनर्जी है जो निकल गया तो मामला, मतलब जो दिख रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके भीतर एक एनर्जी है जो झटके में निकल गया, बात खत्म है, बॉडी तो वही है। तो जो आपके अंदर एनर्जी है, यही एनर्जी वो हीलियम और हाइड्रोजन जो शरीर है किसका, सूर्य का, उसके भीतर प्रचुर मात्रा में, जैसे अब्रक का खदान, कोयला का खदान, उसी तरह प्रचुर मात्रा में वो एनर्जी भरा हुआ है। हम जब ध्यान करते हैं तो बताते तो हैं सूर्य का ध्यान, लेकिन सूर्य के माध्यम से हम कहां जा रहे हैं, उसके उसके भीतर जा रहे हैं, और उसमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी है, और वो एनर्जी हमारे इस छोटे से एनर्जी से क्या होता है, ध्यान के माध्यम से बेतार का तार, मोबाइल लगाते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करता है तब बात होता है भाई, मोबाइल है ना, फ्रीक्वेंसी मैच किया किसी ने किसी टावर से, तो जब हम उसका ध्यान करते हैं तो वो जब मिलता है तो हमारे अंदर का जो प्राण शक्ति है, एनर्जी लेवल है, वो कई गुना उससे मिलके क्या होता है, बढ़ जाता है। ये उसी तरीके से है जैसे कोई नाला नदी में मिल गया तो वो भी क्या हो गया, गंगा जल हो गया, लोग गंगा में नहाते हैं ना, नाला भी उसी में है। कई बार उससे नहर निकलता है, सासाराम या इधर साइड में नहर है भाई, सिंचाई के लिए नहर निकलता है ना नदी से, तो वो जब तक एक बराबर नहीं होता है तब तक पानी का लेवल एक हो गया। नदी के पास ज्यादा पानी है कि नहर के पास? लेकिन नदी वाला पानी अपने लेवल में क्या करता है, नहर को मिला लेता है। जब आप उसका ध्यान करते हैं तो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में कौन सा एनर्जी आता है, कौन सा एनर्जी, यही है। और सूर्य की ध्यान का और उसका एक और विशेषता है, कोई सीधे समझा दीजिएगा, नहीं भैया ऐसे नहीं, भगवान है, हम लोग ठेकुआ खियाते हैं छठ में, तो हो गया। सूर्य की एक और विशेषता है, जिसके अंदर जो गुण होता है उसके उस गुण को, जिसका जो गुण है, सेव का गुण है मीठा, तो उस पर अगर सूर्य का रोशनी पड़ा तो उसमें स्टार्च क्रिएट होता है और वो क्या हो गया, उसका मीठापन। और नीम का गुण है कड़वा, तो वही रोशनी एक ही है, लेकिन अगर वो नीम पर पड़ा तो उसका क्या बढ़ाएगा, कड़वाहट बढ़ाएगा, और सेव पर पड़ा क्या बढ़ाएगा। सूर्य की ध्यान का वैज्ञानिकता यह है कि जब आप उसका ध्यान करते हैं तो मनुष्य का गुण ही है रियल में मनुष्यता, आनंदित होना, जिंदगी को आनंदपूर्ण, तो आपका कौन सा गुण बढ़ेगा, भीतर से एक बेहतरीन। और ये फीलिंग्स की चीज है, ये कहने की बात नहीं है। आप जितनी, आप पूछोगे कि साहब जितनी गहराई से आप इसको करोगे फीलिंग्स के साथ, क्योंकि चुंबक आपके फीलिंग्स में है, कर्मकांड में नहीं, और ये एक दिन में फीलिंग्स डेवलप नहीं होता है। आप कुत्ता भी पालते हो तो कम से कम महीने दो महीने में उसके प्रति प्यार जगता है, और वो कुत्ता को कुछ हो जाता है तो लोग उस दिन मायूस हो जाते हैं, आज कुत्ता चला गया, कुत्ता चाचा चल गई थी आज, कहते आजकल लोग कुत्ते से बड़े प्यार करते हैं। मैंने पिछले दिन भी बताया कि देखिए साहब प्यार तो प्यार है, फेसबुक पर हमने देखा एक महिला थी, अब कोई अपना डालते रहता है उसके मुंह में ऐसे सटा रहे, प्यार है कोई नहीं तो कुत्ता ही सही। आपको किससे प्रेम करना, आप इस प्रेम का मैग्नेट समझ लो, प्रेम में मैग्नेट है, और भगवान किसके अधीन है, किसके अधीन है, प्रेम के अधीन,
और यह विज्ञान है। प्रेम से आप किसी को भी संसार में अपने बस में, लेकिन ये पेशेंस का काम है। नहीं रे, 3 दिन लाइन दे लियो। ये प्रेम क्या है समझ लो, ये भी अध्यात्म का शुद्ध। अगर आप मेंटल एनर्जी को डेवलप करना चाहते हैं तो, और मेंटल एनर्जी आपके पूरे जीवन में आपको चाहिए। फिजिकल के लिए तो सब लोग बैठा हुआ है, हॉर्लिक्स पियो, दूध पियो, फल्ला खाओ, खोआ खाओ, छेना खाओ, प्रोटीन खाओ, दाल पियो, अंकुरित खाओ, फिजिकल एनर्जी। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, मेंटल एनर्जी अगर मजबूत हो जाए ना, तो जिंदगी का हर पल आनंद में बीतता है, हर पल आनंद में बीतता है और मजा मिलता है। और इसी को विकसित करना है स्टूडेंट लाइफ में। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। आप जब स्टडी करोगे, क्योंकि आपका जिसका एनर्जी लेवल जितना मेंटल हाई रहेगा उतना वो उसको मजा आएगा, और नहीं तो डिस्टर्ब रहेगा, निगेटिव अप्रोच। किस चीज, कोई पूछे कि सूर्य का ध्यान क्यों, दो तरह का एनर्जी वातावरण में रहता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, निगेटिव एनर्जी की एक विशेषता है। आप सब लोग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, खेत में जंगल अपने आप उपजता है और बड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें ना खाद दिया, ना पानी दिए, ना निराई गुड़ाई किए, लेकिन बड़ा जबरदस्त जंगल हो जाता है। और फसल जब लगाया जाता है तो उसमें पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है प्रकृति हमें क्या सिखा रहा है कि निगेटिव एनर्जी बिना खाद पानी के ही किसी का आलोचना करने के लिए भी आपको मंच पर बुला लें, किसका करें भैया। हमारा एक दोस्त था, एक नंबर का ठग, आप उस पर लेख लिख सकते हैं। गाय एक चौपाया जानवर है, उसको चार पैर होता है, दो कान होता है, बुराई पर आप लेख लिख सकते हो। आपको यहां बुला दें, देखिए इंसान की फितरत तो देखिए, आपको यहां बुला दें और कहें साहब अच्छाई पर कुछ बोलिए, आज तक तो मेरे साथ अच्छा कुछ हुआ ही नहीं, क्यों मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो। ये क्या है, ये हमारी फितरत है। किसी से पूछिए, पूरा जमाना धोखा वाला है, अरे सब कह रहा है धोखा दे रहा है, अरे कौन किसको दे रहा है। अभी आपका मानसिक संतुलन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और मानसिक संतुलन अगर नहीं रहा, कितना भी हम आपको समझा लें, आपको गुदगुदा दें, हंसवा लें, लेकिन कितना देर, यहां बैठे हैं तब तक, यहां से फिर रूम पर जाइएगा, मोबाइल वाला रे तने घरे बतिया ही हो का, चाचा मैया के दहू तनी, उधर से मैया शुरू हो जाएगी, पढ़ाई ना, हाँ पढ़ाई है, हाँ वे कहे थे लो चचिया के ऊपर तो लिख तो ना। क्या हुआ, कौन एनर्जी मिला आपको, कौन एनर्जी मिला, हॉर्लिक्स मिला, च्यवनप्राश मिला, आपने लिया, दिखाई नहीं पड़ा लेकिन आपके माइंड में गया। अब आप पढ़ने बैठे, चाची बोली है, क्या हुआ, कैसे दूर करोगे, ये बड़े सूक्ष्म विज्ञान है, समझ लीजिए, ये बड़े सूक्ष्म विज्ञान है, ये दुनिया में चलते रहता है। और इसी को मजबूत करने के लिए हम लोग कहते हैं कि साहब अगर आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया लेक्चर सुन लो, हमारा सुन लो, उनका सुन लो, यूट्यूब पर सुन लो, कितना देर, जब तक सुने तब तक मुस्कुराए, वाह मनीष भैया हंसल थी आज, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, क्यों, क्योंकि आपका अपना एनर्जी नहीं है, दूसरे के सहारे आप चल रहे हो, सपोर्टिंग सिस्टम। जब कोई आदमी लास्ट स्टेज में आता है तो उसको कहां ले जाता है, कौन चीज पर, वेंटिलेटर पर। जो वेंटिलेटर पर चला गया हम मान के बैठते हैं, कोई कहा ना चाचा वेंटिलेटर पर आती,
हम मान के चलते हैं घंटे, एक आध दिन के मेहमान है वो हॉस्पिटल वाला माल उड़ान ठगने के लिए 5 दिन रखता है उस पर, तब तक बिल देते रहिए। आपको अपना एनर्जी क्रिएट करना होगा, दूसरे के सहारे, दूसरा सपोर्ट कर सकता है हमको आपको किसी को, किताब भी क्या है, अच्छे महापुरुषों का किताब क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम है ना। हमको सब दिन ऐसे ही रखिए तो रह। आपको अपना एनर्जी बनाना पड़ेगा, दूसरे के सहारे जिंदगी नहीं जिया जाता है मित्र, अपना पावर बढ़ाना पड़ता है। इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है सूर्य की उपासना। ये नहीं समझोगे तो हर रविवार को आओगे, हम लोग का भी ड्यूटी बंधा हुआ है, तुमको सुनाएंगे, तुम भी ताली बजाओगे, हम भी ऐसे ऐसे चुतरा झाड़ेंगे, तुम गए इधर हम गए इधर। फायदा यहां आए हैं, फायदा लीजिए, लाभ लीजिए, बेनिफिट उठाइए। ये मौका बार बार लाइफ में नहीं मिलेगा, ये आपका सौभाग्य है कि पटना बिहार की धरती पर एक ऐसा तंत्र है जहां युवाओं के मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से तोड़ तोड़ के उनका ब्रेन वॉश, क्या कौन वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता, समझ पैदा कर देना उसके अंदर, वो भी युवा के अंदर, जैसे बालू पर हाथ में कहते हैं ना, बालू से तेल निकालना और युवा को समझाना अच्छाई वाला बात, चुरुकई वाला बात तो 2 मिनट में क्लास में टीचर सब क्या करता है, समझाते। बढ़िया टीचर आज के जमाने में कौन माना जाता है जो बढ़िया बढ़िया बात बोले, नो, पढ़ाते पढ़ाते कुछ शायरी सुना दे, तेरी जुल्फों के क्या कहने हैं, आप देख रहे हो आजकल है ना, क्यों, ये निगेटिव एनर्जी है, वो जान रहा है कि इसको बीच बीच में खुराक नहीं देंगे, ये मेरे यहां एडमिशन लिया है इसको मजे नहीं मिलेगा, वो आपके नेचर से अवगत है और आपको भी वही चाहिए, आपके यहां एडमिशन, समझ लो भाई। इसलिए अपना ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, दूसरे के सहारे, यहां तक कि मैं आपको कहता हूं भगवान के सहारे कि भी आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान भी कहता है जो स्वयं अपनी मदद करता है हम भी उसी की मदद करते हैं। भगवान कहीं नहीं लिखा है कि हम तुम्हारा, वो कहते हैं जो स्वयं की मदद करता है। अब आप गिरे हुए हैं, ए भगवान उठाइए, भगवान अब आप लगातार सिग्नल दे रहे हैं उठाइए उठाइए, कहीं कहीं परमानेंट उठा लिया तो आपको अपनी हिम्मत दिखानी होगी। ये आप समझ लीजिए, आज मैं आपको बड़े गंभीर चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं उन चीजों को करता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में निगेटिव अप्रोच नहीं आता है, खूब आता है, हर सेक्टर से आता है, लेकिन अगर हम अपना एनर्जी लेवल हाई ना किए रहे ना, तो पता चले महीने दिन में हम भी बीमार पड़ गए। ऊर्जा का विकास करिए, मानसिक शक्ति का विकास करिए, और इसके लिए ध्यान किसका, सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय, अच्छा सत्संग। जितना आपका मेंटल एनर्जी हाई होगा उतना ही आप अपने जीवन में धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान उतने ही मात्रा में पाइएगा। और ये आपके हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में, आपके हाथ। सपोर्टिंग सिस्टम में हम आपको कह सकते, जैसे किसी के शरीर में ब्लड, मैं कई बार बताया भी हूं, ब्लड घट गया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, किसी का ब्लड घट गया आपने क्या किया, ब्लड चढ़ा दिया। लेकिन अगर उसके शरीर में ब्लड बनना ही बंद हो जाए तो चढ़ाया हुआ ब्लड किसी व्यक्ति को कितना दिन जीवित रख सकता है। इसलिए दूसरे के सहारे परजीवी पौधा, जिसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ना है, परजीवी
ये परजीवी पौधा मत बनो दोस्त, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाओ। और इसी के लिए ध्यान और कौन मंत्र? गायत्री मंत्र। ध्यान में मन लगेगा? नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि मुझे वहां प्रेम है ही नहीं, हम तो उसको कर्मकांड मान के बैठे। तो प्रेम एक दिन में होता है क्या? नहीं होता है, वक्त लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है, एक समय देना पड़ता है। इसलिए घबराइए नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं, हम चैलेंज करते हैं आपको कि अगर आप नियमितता पूर्वक प्रेम से जो ध्यान की बात मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य के अंदर की प्राण शक्ति वो हाई लेवल एनर्जी है, दुनिया में उतनी जबरदस्त एनर्जी कहीं नहीं है। इस संसार के जितने भी चीज हैं सब उसी से प्रकाशित है। अगर आपने उसका भावपूर्ण ध्यान कर लिया ना, तो यह है प्रेम में ही वो शक्ति है। मीरा के जमाने में भगवान कृष्ण नहीं थे, थे क्या? मीरा तो महारानी थी ना, लेकिन एक पत्थर की मूर्ति को लेके मीरा ने कहना शुरू किया, मेरे तो गिरधर गोपाल प्रेम। और उस पत्थर की मूर्ति से भगवान ने वो सब खेला करा दिया। क्या पत्थर की मूर्ति खेला कराता है? नहीं साहब, आपका मेंटल पावर, मानसिक ऊर्जा जिसका जितना होगा, पत्थर की मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं, खाते हैं। किसने खिलाया था? रामकृष्ण परमहंस ने खिलाया दक्षिणेश्वर के काली को। आज भी वो काली है, आज क्यों नहीं खाती? काली तो आज भी है, वही काली है जिसको रामकृष्ण परमहंस खिलाते थे नियमित, आज नहीं खाती है वो। क्यों? उस हाई लेवल फ्रीक्वेंसी का कोई व्यक्ति नहीं है। जिंदगी के सुख और दुख दोनों चीज आपके एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। एनर्जी लेवल कमजोर होगा तो दुख बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल मजबूत होगा तो दुख घट जाएगा। आपका एनर्जी जब जब घटता है, आप मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हैं, आपको निगेटिव अप्रोच ज्यादा आने लगता है, नकारात्मकता ज्यादा आने लगता है, भविष्य की चिंता, मेरा भविष्य क्या होगा, गांव में क्या होगा, फूफा जी क्या कहेंगे, मौसा, ये तमाम तरह की निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगेंगे। और धीरे धीरे आप क्या अपने को अनुभव करेंगे? कमजोर अनुभव करने। और कमजोर व्यक्ति कभी भी किसी चीज की तैयारी कर ही नहीं सकता है, वो तैयारी कर नहीं रहा है, वो तैयारी ढो रहा है। तैयारी ढोटा कौन है? वो तैयारी कर नहीं रहा है, तैयारी क्या हो रहा है? ढो रहा है। आज मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? तैयारी ढो रहे हैं, कर नहीं रहे। करने और ढोने में, ढोता तो गधा भी है, उस पर लाद दिया जाता है, सिलौट देखें हैं, उस पर लाद दिया जाता है, घोड़ा भी ढोता है। मैं इसी के लिए कहता हूं ना, दो तरह का घोड़ा। समझाने को तो सब समझा देते हैं, लेकिन आपके पल्ले पड़ता कहां है? दो तरह का घोड़ा का हम उदाहरण देते हैं ना, एक माल ढोने वाला, एक रेस वाला। जो एनर्जेटिक घोड़ा होता है वो माल नहीं ढोता, वो क्या करता? वो रेस में भाग लेता है। एनर्जी, हॉर्स पावर, आपको कौन सा चीज बनना है? रेस वाला पावर। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, युवा थे। युवा वो होता है जो चैलेंज को स्वीकार करता है, चैलेंज। युवा वो नहीं होता है जो चैलेंज जब जीवन में आ जाए, जय गायत्री माता, गुलाब के माला ले ले हो। ये युवा नहीं है, और ऐसे युवा इस देश को नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस चैलेंज को स्वीकार किया। वो अपने पिताजी को कहते थे, देश गुलाम था, उनकी जीवनी पढ़िए, कहते थे पिताजी हमको नहीं पढ़ना है। पिताजी ने पूछा क्यों? मुझे देश की आजादी के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। पिताजी कहते थे, पिताजी ने कहा तुम क्या करेगा, तुम पढ़ाई से भागने के लिए देश का नाम लेता है, तुम कुछ बन के पहले दिखा दो तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चैलेंज कर दिया उनके पिता ने,
तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम कुछ बन के दिखा देंगे तो हमको देश के लिए आप जाने दीजिएगा। कहा हाँ, पहले बन के तो दिखाओ। उन्होंने मेहनत किया और ICS, जैसे अभी आपके टाइम में क्या है IS, अंग्रेज के जमाने में इंडियन सिविल सर्विस, बहुत टफ टास्क था, इसको निकाल लिया। निकाल के रिजल्ट ले गए, अपने पिताजी को दिया, पिताजी मैंने आपके सपने को पूरा किया है, अब मैं देश की आजादी के लिए। और वहीं पर उन्होंने अपनी डिग्री को और तमाम चीज को फाड़ के फेंक दिया। पिताजी मना करते रहे, वो नहीं माने, देश की आजादी में चले गए, चैलेंज को स्वीकार किया। आप पूछो, पढ़ो उनकी जीवनी, उनको इतना एनर्जी कहां से मिला? असंभव संभव। दूसरा कहता हम अकेले हैं, क्या करें, हमारा फूफा आए थे, कहे अभी पढ़ो लिखो, क्या बनाया है खिला देना हमको भी। आप तो इसी लेवल के हो, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हो। सुभाष चंद्र बोस दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठ के बंद कमरे में क्या करते थे, किससे प्रभावित थे, किनसे प्रभावित थे? स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े हुए थे, और दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठ के बंद कमरे में उस पावर हाउस से अपना कनेक्शन जोड़ते थे, एनर्जी लेते थे और उस एनर्जी को इन्वेस्ट किया, कहां, देश की आजादी में।